जय माता जयेश्वरी। नवरात्र के शुभ अवसर पर ये तस्वीरें, सुंदर तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें तहसील ठियोग की प्रसिद्ध देवठी जयेश्वरी माता की देवठी टियाली से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पे कि सुंदर भवन बनाया गया है, जीर्णोद्वार किया गया था पुराने मंदिर का कई सैकड़ों वर्षों बाद, और माता का नया भवन यहाँ पर बनाया गया है। बेहद सुंदर तस्वीरें आपके सामने देखिए, काष्ठकला का अद्भुत नज़ारा है। प्राचीन जो काष्ठकला रहती है प्राचीन मंदिरों में, उसी शैली में निर्माण किया गया है। और ये दूसरा मंदिर जय श्री माता मंदिर ट्याली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे कि कल यानी शुक्रवार को प्रतिष्ठा होनी है और कुरट स्थापना भी कल होनी है। उसके बाद पारंपरिक विधि विधान से हवन यज्ञ का क्रम जो मंदिरों में चलता है वो होगा, उसके बाद प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर होगा, और उसके बाद माता जयेश्वरी कई वर्षों बाद अपने स्थायी मंदिर में विराजमान होंगे, और जिसके लिए कारदार कारकरिंदे ये देखिए आप पूरी तैयारियों में लगे हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर एकत्र होने हैं, और विभिन्न देवटियों से जो देवलू है यहाँ पर आने हैं, उनके लिए भोग भंडारे की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये सुंदर तस्वीरें ठियोग की प्रसिद्ध देवठी टियाली से आपको दिखा रहे हैं। इस माँ जयेश्वरी के जो कारदार हमारे वजीर साहब है ओम प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कब से ये इसका मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था, और क्या अब आगे का यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा? ये एक दो दिन का जो मुहूर्त है, ये सभी कारदारान यहाँ पे उपस्थित है। ये कार्य लगभग 3 वर्ष हो चुके थे, तो आज हम इस कार्य में संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। कल हमारा शिखा लगने का मुहूर्त है। इस शिखा का लिखित या मौखिक रूप से ऐसा कोई इतिहास नहीं है, ये एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्योंकि लिखित कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है। हमारी शिखा चियोग के दौरन में जो है वो कटेगी, आज उसका मुहूर्त है और कल हमारी शिखा लगेगी। सबसे पहले तो आपको चीज से अवगत करवाना चाहूँगा, लगभग 1 बजे के बाद हमारा शिखा लगने का मुहूर्त है। फिर उसके बाद जब हमारा ये कार्यक्रम पूर्ण हो चुका होगा, तत्पश्चात एक ऐतिहासिक पल ऐसा होगा कि 1 वर्ष बाद माता रानी अपने छोटे मंदिर से अपने मूल गद्दी पर जाएगी, ये एक बहुत ऐतिहासिक पल होगा। तो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग माता का आशीर्वाद लेने अधिक संख्या में पधारें। हमने हमारे जो साथ की लगती सभी देवठियां हैं वहाँ हमने निमंत्रण भेजा है, सभी लोग कल माता के दर्शन करने आएंगे, और लगभग हमारे 20 शव में निमंत्रण जा चुका है, वो भी कल माता रानी के दर्शन के लिए आएंगे। Yeah.
ले आए थे भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए।